बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी शख्स के मुंह से यही लाइनें निकलती हैं। इसके चाहने वाले कहते हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही ठीक। शायद बुलेट को देखकर हम में से ज़्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज़ निकलती होगी। आज रॉयल इनफील्ड की बाइक्स रोड के साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की तरह दौड़ रही है। एक समय था जब बुलेट की पेरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक शख्स ने इसे फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा करके दिखा दिया। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स 1949 से इंडिया में बिक रही है। भारत सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का यह बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिच प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफर यहाँ से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिच कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा एनफील्ड इंडिया। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। वहीं 1990 में CD-100 के आने से भी रॉयल एनफील्ड को झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। 1994 में आइसर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इसे कंपनी को खरीद लिया। फिर आया साल 2000। साल 2000 में आइसर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीजन को 20 करोड़ का घाटा हुआ था। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया, फिर डीलर डिस्काउंट खत्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपये का भार पड़ रहा था। सिद्धार्थ लाल ने कुछ साल पहले कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे कड़े फैसले लेने पड़े थे। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट ना भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और लग जाएं। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं और गियर बाएं पैर पर होते थे। इसमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफर चलता गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स पेश की जाती रही। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 उतारी गई। 2013 के आखिर में कैफे रेसर 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट्स शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। 2012 में कंपनी की 81,464 मोटरसाइकिलें बिकी, जबकि 2013 के दौरान 1,30,018 यानी 51% की ग्रोथ। आज भी लोगों के दिमाग से इसका क्रेज घटा नहीं है। तो ये थी कहानी रॉयल इनफील्ड उर्फ बुलेट की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।